भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाना है और इस आखिरी मुकाबले के जरिए भारत क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पहले दो मैच जो हैं वो भारत अपने हिस्से में ले चुका है, यानी कि दो मैच जो है भारत जीत चुका है, अफगानिस्तान के हिस्से में अभी एक भी मैच नहीं गया है। तो ऐसे में अगर तीनों मैच भारत जीत जाता है तो क्लीन स्वीप भारत को मिल जाएगी और भारत जो है इस T20 सीरीज का विजेता घोषित हो जाएगा। लेकिन इस मैच के दौरान अगर किसी पर सबकी निगाहें होंगी, किसी की परफॉर्मेंस पर सबकी निगाहें होंगी, तो वो होंगे रोहित शर्मा। जी हाँ, रोहित शर्मा भारतीय टीम के कैप्टन, जिन्होंने दो मैचेस में 0 रन बनाए हैं और सिर्फ अगर दोनों मैचेस की बात करें तो सिर्फ 7 मिनट वो क्रीज पर रहे हैं। पहले मैच की अगर हम बात करें जो मोहाली में खेला गया, उस मैच में रोहित शर्मा सिर्फ 1 मिनट तक क्रीज पर ठहरे और 0 पर आउट हो गए। हालांकि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए, क्योंकि शुभमन गिल और उनके बीच में कन्फ्यूजन हुई रन को लेकर और इस बीच में रोहित शर्मा को पवेलियन वापस लौटना पड़ा, 0 पर आउट हो गए। दूसरे मैच की अगर हम बात करें जो इंदौर में खेला गया, तो उसमें एक बार फिर से 6 मिनट तक, लगभग 6 मिनट तक रोहित शर्मा जो है क्रीज पर टिके रहे, 3 बॉलें खेली और उसके बाद एक बार फिर से 0 पर आउट हो गए। यानी कि पहले दो मैच जो है रोहित शर्मा 0 पर आउट होते दिखे। अब तीसरे मैच पर सबकी निगाहें होंगी, रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह जो मैच है ये अफगानिस्तान के खिलाफ है। अगर ऐसी परफॉर्मेंस भारत से किसी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ होती तो शायद रोहित शर्मा का ये जो परफॉर्मेंस था वो कहीं ना कहीं भारत को खलता, यानी कि उसका खामियाजा हो सकता है, कहीं ना कहीं भारत को भुगतना पड़ता। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ ये मैचेस थे और हम सब जानते हैं कि इंडिया की टीम अफगानिस्तान की टीम से काफी ज्यादा बेहतर है और जिस तरह से भारत ने इस बार परफॉर्म किया है, यानी कि शुरुआत से ही आक्रामक तरीके से खेली है, वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन जहां तक बात रोहित शर्मा की है, तो अब सबके जहन में सवाल यही है कि क्या बेंगलुरु में जो मैच है उसमें रोहित शर्मा वो आक्रामक पारी दिखा पाएंगे जिस आक्रामक पारी के लिए वो जाने जाते हैं, या फिर रोहित शर्मा एक बार फिर से दर्शकों को निराश कर देंगे। और हम आपको बता दें कि T20 में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले रोहित शर्मा पहले खिलाड़ी भी बन चुके हैं, यानी कि एक रिकॉर्ड जो अनचाहा रिकॉर्ड है वो भी रोहित शर्मा के नाम हो गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और T20 वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी मैच है जो बेंगलुरु में खेला जा रहा है। इसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप होगा तो वो जो मैच होंगे वो अमेरिका या फिर वेस्ट इंडीज़ में होंगे। तो इसी के चलते बहुत बड़ा सवाल ये है कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस जो है वो बेंगलुरु में कैसे होती है। अगर आंकड़े देखे जाएँ तो ये कहा जा सकता है कि रोहित शर्मा हो सकता है कि आंकड़ों के लिहाज से बेंगलुरु में भी अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, क्योंकि बेंगलुरु में T20 फॉर्मेट को देखते हुए रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। अगर एक नज़र दौड़ाएं उनके परफॉर्मेंस में बेंगलुरु के मैदान में, तो आपको बता दें बेंगलुरु में खेले 3 T20 में रोहित शर्मा ने कुल मिलाकर सिर्फ 29 रन जड़े हैं, जिनमें से उनका बेस्ट स्कोर जो है वो 18 रन है। हाँ, खाता खोलने में वो बेंगलुरु में खेली पिछले 3 T20 इनिंग में कामयाब रहे हैं, यानी कि वो 0 पर आउट नहीं हुए हैं। तो इस अगर पॉजिटिव सेंस के साथ देखा जाए तो रोहित शर्मा हो सकता है कि बेंगलुरु में अच्छा परफॉर्म करें और एक बार फिर से चौके छक्कों की झड़ी लगा दे, जिसका इंतज़ार हम सबको है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा क्या आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा बेंगलुरु के मैदान में इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो क्रिकेट ज्ञान में ऐसे कंटेंट के लिए और ऐसा ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट ज्ञान।